अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? होपफुली आप लोग ठीक होंगे, मजे में होंगे, अल्लाह के फजलमान में होंगे। तो हाँ जी, वापस आ गए हैं लाहौर से और अपने कामों में निकल गए हैं। आप देख रहे हैं हर्बल सिस्टर का व्लॉग, मैं हूँ आयशा एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो ये है रेशम। आज का दिन जो है ना, सबसे पहले तो ये कि आप लोगों ने हम लोग का चैनल सब्सक्राइब करना है और हम लोग को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। आप इंस्टाग्राम पे अगर हमें फॉलो किया होगा तो आपको ये आइडिया होगा कि हम लोगों ने कल ही अपने ब्रांड का अनाउंसमेंट है वो की है। हमारे जो ब्रांड का नाम है, रेशम भी साथ बताएगी, हमारे ब्रांड का नाम है अर्बन सिस्टर्स पैटर्न्स। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे इससे रिलेटेड चीजें हैं जो हम प्रोबेबली लाइव में आ जाके इंस्टाग्राम पे लाइव आके बताएंगे और इस यूट्यूब के जो ये वाला हमारा व्लॉग होगा रेशम, हाँ, इसमें हम डिटेल्स, इसमें हम अपनी सारी डिटेल्स शेयर करेंगे। ये जो इस चीज का ब्रांड है, क्या होगा, एवरीथिंग। सो इस व्लॉग में आपको वो सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में आएंगे। तो आपने व्लॉग को देखना है, इस वीडियो को देखना है, आगे बढ़े बने रहिए। दूसरा ये है कि अभी हम लोग जो जा रहे हैं, हमारी एक मीटिंग है और अपनी पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। मेरी क्या हो गया, पूरी तैयारी के साथ हम जा रहे हैं। रिलेटेड टू आवर ब्रांड ही मीटिंग है हमारी, होपफुली हमारे अच्छे से चले जाए। पोलो ग्राउंड से राइट हम अपनी वो चीजें कुछ फाइनलाइज करने जा रहे हैं, बहुत सारा काम है। तो बस आप लोग हमारे लिए दुआ करेगा और व्लॉग को यहाँ से शुरू करेगा। चलें जी, हम लोग पहुंच गए हैं और अपना काम करते हैं, मीटिंग वगैरह अपनी कंप्लीट करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। हमेशा ना ये बात आप याद रखा करेंगे, कोई भी काम, ब्रांड बना रहे, कुछ भी, कोई भी काम कर रहे हैं ना, बिजनेस वगैरह को भी करें, दैट इज़ नॉट ईजी। आपके अंदर इतनी चीज़ें होती हैं जो आप सीखते हैं, मैं समझती हूँ जो सीखते हैं ना वो बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता चलता है, अच्छा ये ऐसे नहीं, अच्छा ऐसे करते हैं, लोगों से इंटरेक्शन होता है आपका, आप मिलते हो, आपको पता चलता है कि अच्छा इस काम को इस तरह भी किया जा सकता है। और फिर एक टीम वर्क जो होता है ना, वो बहुत कुछ आपको सिखाता है। बस अभी हम काम शाम कर रहे हैं और सब कुछ तो नहीं दिखा सकती, थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखा दूँ। सो हम हो गए थे वहाँ से फारिग और अभी हम बस घर जा रहे हैं। चाय करना ही हमारा गुजर चुका है, जाके चाय शाय पीते हैं। वहाँ इतना बिजी रहे, इतना बिजी, दो घंटे कहाँ गुजर, ढाई घंटे मेरे ख्याल से, ढाई घंटे कहाँ गुजर गए पता भी चला। और यकीन माने, आप जब एक काम शुरू करते हैं ना, आपको पता चलता है अच्छा ये, या फिर आपने एक वेंडर फाइनल किया होता है और अचानक पता चलता है कि वो वेंडर जो है वो आपकी क्वान्टिटी के अकॉर्डिंगली काम नहीं होगा, फिर आप इतनी क्वान्टिटी का रिस्क नहीं ले सकती हैं। ये तो डिपेंड करता है, हो सकता है आपको इतना अच्छा हमारा रिस्पॉन्स हो कि हम लोग को, फिर भी वो आयशा वो जो बता रहा था ना, वो हमारे अकॉर्डिंगली नहीं, वो पूरे रोल के अकॉर्डिंगली बता रहा। हमें तो वो चाहिए ही नहीं, हमें सैम्पलिंग वो इन चीज़ों में होता है। कई वेंडर्स आपको कह देते हैं और कई वेंडर्स आपको एक मिनट में कह देते हैं कि ठीक है हम कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीजें एंड पे सॉर्ट आउट हो जाती है। डिफरेंट, अब हम एक आर्टिकल के लिए 500 वो नहीं प्रिंट करवा सकते। हाँ। हमारे अगर 8 है तो क्या हम 500 से डिवाइड करते जो हर चीज का 8 बनवाएंगे? हाँ। ये तो पॉसिबल तो नहीं है। ये होता है कि चीजें जो है ना, जब आप कोई भी काम शुरू कर रहे होते हैं तो आपको आइडिया होता है कि इतना आसान भी नहीं होता। तो ये है कि आज हमारी जो है बेसिकली वो कट्स वगैरह फाइनल होने थे। उसके अलावा हमने बेसिकली जो कट्स हैं वो तो हम लोगों ने आपस में डिस्कस करते, जो हमारे वेंडर्स थे वो वेंडर्स के साथ जो काम था ना वो हमारा फाइनल होना था और वो अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो चुका है। तो बस अभी घर जाते हैं। चाय पीते हैं। किस किस को ना ये कॉम्बिनेशन पसंद है, चना पुलाव और साथ देसी आलू के कटलेट्स उफ, और साथ ही ग्रीन चटनी और सैलड। मेरी मामा के घर में ना ये वाला कॉम्बिनेशन होता ही होता है, यानी कि चना पुलाव होना है तो ये कटलेट्स होने हैं साथ। आज मैंने कहा कि ये बनवाना है, बस मैं और पापा करने लगे हैं डिनर। सो इट्स ऑलमोस्ट 2:30 और मैं सुबह की भी नहीं सोई हुई एंड आई एम डूइंग माय वर्क बिकॉज मुझे आज रात को फाइनलाइज करना है कुछ चीज़ें जो मैंने डिज़ाइनर्स को और डिफरेंट जो मेरे साथ टीम है उनको मैंने भेजनी है। एक तो मैंने ये भेजनी थी कि मुझे नाम कलेक्शन का फाइनल करना था, एकदम से मेरे क्लिक किया मुझे, सो मैंने नाम फाइनल कर लिया है। और उसके बाद जो है मैंने जो पहला हमारा आर्टिकल होगा उसका डिज़ाइन फाइनल करना था, वो क्या होगा। अब ये कलेक्शन मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है क्योंकि इट्स लाइक के इसमें हर चीज़ छोटी सी छोटी एफर्ट जो है ना वो साथ की जा रही है। आज मैंने नाम कलेक्शन का फाइनल किया है और पहला डिज़ाइन मैंने फाइनल कर लिया, लेकिन मैं वो बाकी सब कुछ डिस्क्लोज नहीं करूँगी, आपको कलेक्शन का वेट करना पड़ेगा। लेकिन मैंने ग्रीन टी पी है, बहुत क्लेवर टाइम इट्स डन और मेरे ख्याल से मैं सोती हूँ।
अच्छा आजकल ये है कि मेरी मदर इन लॉ घर पे नहीं है तो मेन्यू मैं ही डिसाइड कर रही होती हूँ क्या बनाना है। दोपहर में बड़े मज़े के टींडे गोश्त बनवाए थे क्योंकि पापा ज़्यादा सब्ज़ी खाते हैं, तो आजकल मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत मज़े की लग रही हैं। तो मैंने मसर की दाल मेरी फेवरेट है, तो मसर और वाइट चावल, ग्रीन चटनी अगेन, सैलड और एक ये वाली चटनी होती है ना जो ग्रीन दही के बगैर होती है, एक ये वाली और अचार, दिस क्रश पिकल इज़ सो गुड। तो अब हम आज ये वाला करने लगे अपना डिनर। हे एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो नेक्स्ट डे हो गया है, उस दिन मैंने और रेशम ने बाद में इतने काम, हम बिजी हो गए थे कि ना हम लाइव आए और ना हमने एक वीडियो बना सके जो हमने इस व्लॉग में कहा था कि हम बनाएंगे। एनीवेज कोई बात नहीं, इसको देखते हैं कहाँ तक चलता है, वीडियो तो हमारी इंशाल्लाह आएगी, साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे। अभी मैं जा रही हूँ, मैंने ना अपने लिए मिक्स ऑयल बनाना है। मैं अपने बालों की जब तारीफ सोशल मीडिया पे करती हूँ ना कि मेरे बाल तो ऐसे होता नहीं है, सब कहते हैं आपके बाल इतने चिपके, आप करें क्या, मेरे बाल एक्सट्रीम हेयर फॉल एकदम से स्टार्ट हो गए, आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज मैं एक मिक्स ऑयल बनाने का सोच रही हूँ, वो आपको मैं बताऊँगी क्या क्या चीज़ें ऐड कर रही हूँ, और कुछ मैंने हेयर प्रोडक्ट्स लेने जाना है अल्फता, तो मैंने कहा चलो व्लॉग में आपको भी साथ दिखाती हूँ, लेट्स गो। चलो जी अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सो आज अभी मैं और तैमूर, पापा और मोहम्मद जा रहे हैं डिनर पे, क्योंकि आंटी घर पे नहीं है, तो आज हमने सोचा कि पापा को जो है ना हम लोग डिनर बाहर करवा देते हैं, तो बस जल्दी से निकलते हैं, तैमूर मेरा वेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, मैंने कहा व्लॉग में थोड़ा सा आपको बता दूं, एंड लेट्स गो। अच्छा मैं देती हूँ, चलो चलो ये वैसे खेल लो, लेकिन लेके नहीं जाना सर। What's that? Chopsticks. Chopsticks. Try the chopsticks. Okay, I also try. Dumplings. No, they're not green. It's just the garnishing. Okay, do you want to go out? Okay, okay, I'll take it. We are back. So, अभी बस हम घर पे आए हैं और अब मैं जो है ना ग्रीन टी रखने, अब जा रहे हैं, चले मिलते हैं। तो ग्रीन टी रखने क्योंकि पापा ने ग्रीन टी पीनी होती है आते साथ ही, बहुत मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा था। इनका खाना हमेशा ही अच्छा होता है, और जैसे हम लोग अपने रेस्टोरेंट के अलावा ना चाइनीज मुझे कहीं का पसंद नहीं आता, इवन मैं कहीं भी खा लूँ मुझे चाइनीज का कभी मजा नहीं आता, लेकिन ये है कि इनकी कुछ दो तीन चीज़ें हैं, हमारे यही एक ही मेन्यू होता है हम लोग का, पैड थाई नूडल्स, डम्पलिंग्स, मंगोलियन चिकन और राइस। राइस हमने पापा के लिए उगाए थे, तो यही हमारा मेन्यू होता है और हमेशा बहुत मज़ा आता है, तो इट वॉज़ अ गुड वन। ग्रीन टी मैंने रख ली थी, और आज मैंने सिर्फ नो मेकअप लुक टाइप रखा, क्योंकि पापा को ऐसा अच्छा लगता है कि नो मेकअप लुक और इस तरह सिंपल सी, तो मैंने कहा चलो आज उनके साथ जा रही हूँ, कुछ इस तरह का कर लेते हैं। सो एनीवेज अब जाके मोहम्मद को कुछ देखती हूँ, जब तक ग्रीन टी बनती है थोड़ा कमरे का काम कर लेती हूँ, और व्लॉग हम कंटिन्यू करती हूँ, एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस व्लॉग की जो एंडिंग है ना उसमें थोड़ा बहुत अपने ब्रांड के बारे में बता दूँगी आपको। हे एवरीवन, तो मैंने सोचा यहाँ जब मैं व्लॉग को एंड करूँ तो थोड़ा सा आकर मैं एक्सप्लेन कर लूँ। मैंने जैसे व्लॉग में पहले सुबह पहले प्रॉमिस किया था कि हम ज़रूर बताएंगे, वो बस मैं और रेशम की कोऑर्डिनेशन मैच नहीं हो रही कि हम दोनों इकट्ठे आके वीडियो में ये बात कर सकते, वो भी हम करेंगे डेफिनेटली, हर एक चीज़ एक स्टेप होती है। अच्छा मैंने और रेशम ने जब ये स्टार्ट करना था ना, तो हमारा बहुत देर से प्लान था, इट वॉज़ लाइक इन अ बकेट लिस्ट के विल डू दिस, और एज आई गेस आप लोग को कई लोगों को नहीं पता होगा, मैं ऑलरेडी एक दफ़ा मेरा ब्रांड है और मैं वो ब्रांड रन कर चुकी हुई हूँ, और दो से तीन साल मैंने ये काम किया था,
एंड देन मैंने नहीं किया छोड़ी बिकॉज मेरी जो पार्टनर थी वो अलग थी, तो वो हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सके। उसके बाद अर्बन सिस्टर्स आया और आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया ना कि अब यकीन माने कि उसके बाद जब हम कोई ना कोई खुद क्रिएट करते थे कोई ऐसे ड्रेसेस, तो हम लोग को हमेशा होता था कि बहुत सबने बहुत तारीफ़ करते थे, यू गाइस शुड डू इट, आप लोग तो करना चाहिए अपना। लेकिन अब हम लोगों ने अपने नाम से, जिस नाम से हमें बहुत प्यार मिला, बहुत इज्जत मिली और एक पहचान मिली, तो हमने उस नाम से अपना अर्बन सिस्टर्स पेट्रंस के नाम से हमने अपना स्टार्ट किया है। वी नो कि हम लोगों ने अभी कुछ नहीं बताया था कि ये बेसिकली ये क्या है, क्यों है, लेकिन ये क्लोथिंग ब्रांड है और किस तरह का क्लोथिंग ब्रांड होगा ये आपको जिस दिन लॉन्च होगा तो आपको मैं बता सकती हूँ। इससे पहले बस हम यही कह सकते हैं कि जो हम हैं, जिस तरह के हम हैं या जिस तरह के मुझे या रेशम को हम लोगों को कपड़े पसंद आते थे और वो हार्डली कहीं आपको मिलते हैं, पाकिस्तान में तो नहीं मिलता था, बहुत कम होता है कि आपको हो। मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकती, लेकिन इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि आपको बेस्ट चीज़ दें जो दे एक्सपेक्ट कि हम कुछ अच्छा कुछ डिफरेंट लेकर आएंगे। बहुत मैसेजेस हैं बताएं क्या है, बट सही टाइम के लिए। अच्छा, सही टाइम जो होता है ना, मैं हमेशा कहती थी शायद सही टाइम आएगा, सही टाइम आएगा, बट सही टाइम वो होता है जब आप खुद कहो कि नो दिस इज़ द टाइम एंड यू हैव टू डू इट। और उसके लिए हम लोग को टाइम चाहिए था, इतने हमारे पास हमारी फैमिली हो जाती अर्बन सिस्टर्स की कि हम इसको स्टार्ट कर सकते। नाउ दिस इज़ योर ब्रांड, रेशम के साथ सारी बातें करूँगी, अभी मुझे बड़ा मिसिंग फील हो रहा है कि रेशम होती कहाँ, तो मैं साथ बैठ के बात कर सकती। इंशाल्लाह हम आएंगे लाइव भी, आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिएगा। एंड दिस इज़ इट, दिस वॉज अ स्मॉल व्लॉग फॉर यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, मुझे मेरे घर वालों को तो हमें याद रखना है अपने, एंड